भज हर ओर कपी लहराई, राम राज विस्तार को पाई। सत्यवान नगर दल आई, अश्व उचित सत्कार जा पाई। राम सिया राम, सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम, सिया राम जय हनुमान। एक ओर दिव्य ढलान, दूसरी ओर सघन वन। इस अति दुर्गम मार्ग पर हमें अत्यंत सावधान रहना होगा। अश्वमेध यज्ञ का अश्व, हनुमान जी, इस घोर अंधियारे में, इस तीव्र ढलान वाली पहाड़ी पर हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अभी तो यहीं पर रुककर भोर होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हमारे सैनिक भी क्लांत हो चुके हैं, उन्हें भी विश्राम की आवश्यकता है। हाँ राजकुमार शत्रुघ्न, अश्व की सुरक्षा के लिए यही उचित होगा। पुत्र पुष्कल, आप अश्व को सुरक्षित स्थान पर ले जाइए। हनुमान जी, दंभ के कारण अनेकों बार मैंने आपकी अवमानना की, मुझे क्षमा कर दीजिए। आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, क्रोध पर नियंत्रण रखना, अहंकार को त्यजना, अपने दायित्वों के प्रति अधिक जागरूक होना। इन सभी सीखों के लिए मैं आपका आभारी हूँ। कुमार पुष्कल, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मेरे नेतृत्व से आपका उद्धार हुआ। अब तो आप पर मेरा विश्वास और भी बढ़ गया है कि आप कभी अपने लक्ष्य से नहीं हटेंगे। हनुमान जी, अपने इस विश्वास को प्रमाणित करने के लिए आज की रात्रि मुझे यज्ञ के अश्व की सुरक्षा करने के लिए अनुमति दीजिए। अवश्य पुत्र पुष्कल। जगत में सभी प्राणी श्री राम कथा के श्रवण से आनंदित हों, इस पावन गाथा से प्रेरित हों, सभी धर्म के पथ पर अग्रसर हों, सर्वत्र प्रभु राम की गाथा का प्रचार हो। मेरे समस्त शिष्य इस राम ग्रंथ कथा को कंठस्थ कर ले, अब ये ग्रंथ यहीं रहेगा। जय श्री राम। जय श्री राम। शूलेना पाहि नो देवी पाहि देवी, शूलेना पाहि नो देवी पाहि देवी, शूलेना पाहि नो देवी पाहि देवी। अब कोई भी दुष्ट शक्ति इस सुरक्षा रेखा के भीतर प्रवेश कर इस ग्रंथ को नहीं ले जा सकेगी। जो भी श्रद्धा भाव से इसके पठन को यहाँ आएगा, ये ग्रंथ केवल उसी को दिखाई देगा। आप सब लोग भी विशेष ध्यान रखें, निर्मल भाव से ही यहाँ प्रवेश करें। ये ग्रंथ अति महत्वपूर्ण प्रतीत होता है, इसीलिए इसकी सुरक्षा का ऐसा प्रबंध कर रखा है। अवश्य इसमें हम असुरों की हानि निहित है, परंतु मैं हूं ना, क्यों ना मिटा दूं इसे, और मैं बन जाऊं प्रथमासुर से असुरों में प्रथम पूज्य।
कुछ ही समय में रात्रि का अंधकार होगा, तब पूर्ण करूंगा ये कार्य मैं। राम राम राम। सहायता करो हनुमान, सहायता करो हनुमान। कहीं अश्वमेध यज्ञ में तो कोई संकट उत्पन्न नहीं हो गया जो प्रभु मुझे पुकार रहे हैं? प्रभु तो स्वयं नारायण हैं, संकट तो उनके स्पर्श से ही नष्ट हो जाते हैं। सहायता करो हनुमान, यही शब्द थे। समझ गया, प्रभु भक्त पर आए संकट को भी वो अपना संकट ही समझते हैं। अवश्य यही कहीं प्रभु का कोई अनन्य भक्त किसी महासंकट में है, परंतु कौन है वो ये मुझे शीघ्र ही ज्ञात करना होगा। किसी प्रभु भक्त को संकट में छोड़ना असंभव है मेरे लिए। यहां चिंता की कोई बात नहीं है और मैं प्रातः सूर्य उदय के पूर्व ही लौट आऊंगा। हे प्रभु, हे राम, मेरे देखते देखते ये अनर्थ कैसे हो गया? परंतु ऋषि और आरण्यक इतनी कड़ी सुरक्षा के रहते कोई श्री राम कथा ग्रंथ कैसे उठा ले गया? आप सभी के प्रस्थान करने के पश्चात मैं कुटिया से ध्यान करने के लिए बाहर आया। जब ध्यान में मग्न हो गया तभी उस दुष्ट ने कुटिया के भीतर प्रवेश किया होगा। भीतर से कुछ ध्वनि आई तो मैं सजग हो गया। ये ध्वनि कैसी थी? मैं भीतर गया, भीतर कोई नहीं था। श्री राम कथा ग्रंथ अपने स्थान पर सुरक्षित था। मैं निश्चिंत होकर कुटिया से बाहर आ गया, किंतु बाद में मुझे समझ में आया कि बाहर आते समय मेरे ही पांव से सुरक्षा रेखा का एक भाग मिट गया। फिर क्या हुआ ऋषिवर? फिर वो दुष्ट असुर जो पूर्व में ही भीतर छुपा बैठा था, मेरी भूल का लाभ उठाकर जहाँ से रेखा मिट गई थी वहाँ से हाथ बढ़ाकर ग्रंथ को उठाकर जाने लगा। तो आपको आभास भी नहीं हुआ? बाहर आते समय ही मुझे आभास तो हुआ था कि कोई भीतर है, इसीलिए जैसे ही वो असुर ग्रंथ लेकर भागने को हुआ मैंने उसका मार्ग रोक लिया। ग्रंथ को उसके स्थान पर रख दो, अन्यथा श्राप देकर भस्म कर दूंगा तुम्हें। पावन ग्रंथ को अपने स्पर्श से दूषित करने वाले दुष्ट असुर, उसके स्थान पर पुनः स्थित कर दो उसे, अन्यथा मेरे श्राप से कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकेगा। अब तुम्हारा ये ग्रंथ मेरे उदर में है, अब कैसे श्राप दोगे मुझे? राम कथा ग्रंथ निगल लिया इस दुष्ट ने, अब इसे भस्म भी नहीं कर सकता। लो ऋषि, नष्ट हो गया तुम्हारा ये ग्रंथ। और इस प्रकार वो दुष्ट असुर मुझसे मेरे जीवन का उद्देश्य ले गया। अवश्य ही कोई उत्तरी पहाड़ी पर वास करने वाले असुरों में से ही होगा। वो कौन था ये ज्ञात करने का आप क्या लाभ? ग्रंथ तो उसके उदर में समा गया है। उस पहाड़ी असुर से ग्रंथ को पुनः प्राप्त करने का कोई उपाय तो अवश्य होगा। ऐसा असाध्य कार्य तो मात्र हनुमान ही साध सकते हैं, परंतु वो तो अभी राम काज में व्यस्त होंगे, यहाँ कैसे आएंगे? वो यहाँ होते तो जैसे मेघासुर से उन्होंने गरुड़ों के अंडों की रक्षा की थी, उसी प्रकार उस पावन ग्रंथ को उस दुष्ट असुर के उदर से निकाल लाते। जिस राम कथा के विस्तार हेतु मैंने ग्रंथ के प्रचार का प्रण लिया था, उस राम कथा ग्रंथ को नष्ट होने से अब कोई नहीं बचा सकता। यदि राम राज्य का विस्तार मेरा कर्तव्य है तो राम कथा का प्रचार भी तो मेरा ही दायित्व है।
जिसके लिए उस ग्रंथ को लाना भी मेरा ही धर्म है। मुझे इसी क्षण उत्तर पहाड़ी की ओर जाकर उस दुष्ट असुर को ढूंढना होगा। इतने विशाल वन में भला मैं कैसे ज्ञात करूं कि वो पर्वतवासी असुर कहां गया है? उस असुर ने प्रभु श्री राम की कथा का ग्रंथ चुराया है, इसलिए उसे ढूंढने के लिए तो प्रभु श्री राम भक्ति ही पर्याप्त है। अब प्रभु श्री राम स्वयं मेरा मार्गदर्शन करेंगे। जय श्री राम। प्रभु श्री राम की भक्ति ने मुझे मार्ग दिखा ही दिया। वो असुर जिस मार्ग से गया है वहां अपने स्पर्श से प्रभु श्री राम के आभास को छोड़ गया है। राम नाम की ऊर्जा की ज्योति वहीं सबसे अधिक दिखाई दे रही है। अवश्य वो असुर वहीं होगा। नंदी आनंद भोजोगा, बहुत बड़ा कार्य किया है प्रथमासुर जी ने, चका दिया उस ऋषि को। महान है प्रथमासुर जी, परम पूज्य है हमारे। अवश्य राम नाम का ग्रंथ यही है। ये वानर कौन हो तुम और क्या कह रहे हो? क्या यही है? इन अनेक असुरों में से उस असुर को कैसे पहचानूं जिसने ग्रंथ को अपने उदर में समा लिया है? यहां बल का नहीं बुद्धि का प्रयोग करना होगा मुझे। अरे नहीं नहीं, आप लोगों को सताने और आप लोगों से युद्ध करने नहीं आया। मैं तो उन महान असुर के दर्शन करने आया हूं जिन्होंने राम कथा ग्रंथ को ही निगल लिया। यदि उनके दर्शन हो जाएं तो मेरा अधूरा कार्य पूर्ण हो जाए। इतनी बलिष्ठ भुजाएं हैं आपकी, प्रतीत होता है आप ही हैं वो महान असुर। आपकी भुजाओं में तो उनसे भी अधिक बल समाहित है। अवश्य आपने ही किया होगा ये कठिन कार्य। ओह, आप भी नहीं? ये वानर सभी की प्रशंसा किए जा रहा है। बलिष्ठ भुजाएं हैं, महान है, आप बोल रहा है सबको। मैंने किया है ये कार्य, मुझे क्यों नहीं पहचान रहा ये? ओह, ऐसा अनुपम तेज, अवश्य आप ही हैं वो महान आत्मा। हे वानर, इधर देखो मुझे, और कोई नहीं, मैं ही हूँ वो बलिष्ठ तेजस्वी महान प्रथम पूज्य प्रथमासुर। ओहो, तो आप ही हैं वो महान असुर जिन्होंने उस ग्रंथ को अपने उदर की भेंट कर दिया। मैं ही हूँ वो, उस ग्रंथ को उठाकर उसका आहार बना गया। ये तो आपने बहुत बुरा किया। मेरा आपसे निवेदन है कि आप वो ग्रंथ लौटा दें। क्या, ये कैसी बातें कर रहे हो? कोई ग्रंथ नहीं मिलेगा तुम्हें, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हें भी अपना आहार बना लूंगा मैं वानर। मैं पुनः आपसे आग्रह कर रहा हूँ। जय श्री राम। आकार बढ़ाकर भयभीत करने का प्रयास कर रहे हो? नहीं, मैं आपको भयभीत नहीं कर रहा,
चेतावनी दे रहा हूं, आप ग्रंथ लौटा दीजिए, अन्यथा आप संकट में पड़ जाएंगे। जाओ यहाँ से, यहाँ तुम्हारे विशाल आकार से कोई भयभीत नहीं होने वाला। और कोई हो ना हो, मैं तुमसे भयभीत नहीं होने वाला। जो करना चाहते हो कर लो। अच्छा, तब तो मुझे आपके उदर पर प्रहार कर उस ग्रंथ को आपसे उगलवाना होगा। बस इतनी शक्ति है तुम में वानर? उगलवाने आए थे मुझसे वो ग्रंथ? परम शक्तिशाली प्रतिमा सुर हूं मैं। अपनी भलाई चाहते हो तो लौट जाओ यहां से। ग्रंथ के बिना तो मैं कदापि नहीं लौटूंगा। तब तो मुझे ही लौटने पर बाध्य करना होगा तुम्हें। देखो मुझे कुछ नहीं कर सका ये वानर मेरा। चलो जय जयकार करो मेरी। प्रतिमासुर जी की जय। प्रतिमासुर जी की जय। प्रतिमासुर जी की जय। ये तो अत्यंत शक्तिशाली है, मेरे प्रहारों का कोई प्रभाव ही नहीं हो रहा है इस पर। परंतु प्रभु काज में मैं भी पराजय स्वीकार नहीं कर सकता। प्रतिमासुर जी की जय। प्रतिमासुर जी की जय। वो ग्रंथ तो मेरे उदर में ही रहेगा वानर, उसे प्राप्त करने के लिए यहाँ आने का दुस्साहस मत करना। प्रथमासुर, 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 सखा। कोई तुच्छ असुर नहीं हूं मैं। राम कथा ग्रंथ को अपने उदर में ग्रहण किया है मैंने, तो मैं भी ग्रहण कर जाऊंगा। बस वानर, अभी अंतिम चेतावनी है, अब लौटने का दुस्साहस मत करना। जाओ और जाकर समस्त संसार को सूचित कर दो कि अब शीघ्र ही सृष्टि पर प्रथमासुर का आधिपत्य स्थापित होने वाला है। प्रथमासुर जी की जय। प्रथमासुर जी की जय। इस अत्यंत शक्तिशाली असुर को पराजित कर ग्रंथ कैसे प्राप्त करूं? प्रभु श्री राम के अश्वमेध यज्ञ के समय हमें सक्रिय रूप से रामकथा का प्रचार करना चाहिए था, और वही करने में असफल हो गया मैं। अब मेरे जीवन का कोई अर्थ कहाँ रह गया? नहीं गुरुवर, ऐसा मत कहिए आप। यदि कल भोर तक मुझे वो ग्रंथ प्राप्त नहीं हुआ तो मैं ये देह त्याग दूंगा। नहीं गुरुवर, ऐसा मत कहिए कदापि भी आप। कोई तुच्छ असुर नहीं हूं मैं। राम कथा ग्रंथ को अपने उदर में ग्रहण किया है मैंने। इस असुर ने उस दिव्य ग्रंथ को अपने भीतर निगल लिया है, इसीलिए इसमें असीम शक्ति का संचार हुआ है। जिसमें श्री राम की शक्ति समाई हो, उससे युद्ध करके कैसे कुछ प्राप्त किया जा सकता है? मुझे कोई और उपाय सोचना होगा। ऐसा असाध्य कार्य तो मात्र हनुमान ही साध सकते हैं। वो यहाँ होते तो जैसे मेघासुर से उन्होंने गरुड़ों के अंडों की रक्षा की थी, उसी प्रकार उस पावन ग्रंथ को उस दुष्ट असुर के उदर से निकाल लाते। अब तो मुझे भी तुम्हारे उदर में ही उतरकर ग्रंथ को पाना होगा दुष्ट असुर। जय श्री राम।
ज्ञान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर ये मेरे कंधे पर क्या है? अरे अरे उड़कर मेरे गाल पर बैठ गई है मक्खी, अभी मारता हूं इसे। है? मक्खी थी महाराज। अरे चुप, मेरे कान में गई वो मक्खी। कान में? है? क्या हुआ? अरे क्या हुआ महाराज को? मेरे गले में वो दुष्ट मक्खी मेरे गले में गई। ये क्या हुआ? इनके मन के समान इन दुष्ट असुरों का उदर भी दूषित है। ये मेरे उदर में कैसी हलचल है? वो रहा ग्रंथ। कुछ तो असामान्य है। मक्खी गई। ग्रंथ तो प्राप्त कर लिया मैंने, परंतु इस ग्रंथ को मैं बाहर कैसे ले जाऊं? कान के मार्ग से तो मैंने प्रवेश किया, परंतु यह ग्रंथ तो इतना विशाल है कि इसे मैं वहां से नहीं ले जा सकता। महाराज, अरे क्या है? महाराज, इस द्रव्य का पान कीजिए महाराज, संभव है कि आपके उदर की हलचल मिट जाएगी। अरे मूर्ख, वहां क्यों खड़ा है? यहाँ आ। अब मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। व्यक्ति यदि सच्चे हृदय से प्रयास करे तो किसी भी समस्या के समाधान का मार्ग मिल ही जाता है।